ओ हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और आज गंगा स्नान, तो आप सबको भी गंगा स्नान की बहुत सारी शुभकामनाएं। और फ्रेंड, अभी टाइम हुआ है 5 बजे का, तो 5 बज चुके हैं। मैं तीनों डोरों का दूध निकाल के जो है अभी ऊपर आई हूँ, और अभी करेंगे अपना नहाना धोना, क्योंकि आज पर गंगा स्नान है, पर भी का दिन है, और आज के दिन जो है सब सुबह सुबह ही नहाते हैं। तो बस अभी मैं भी जा रही हूँ नहाने के लिए, निकाल लेती हूँ अपने कपड़े बहुत जल्दी करके, और फ्रेंड आपसे मिलेंगे बस थोड़ी सी देर बाद। ओ फ्रेंड, मैं नहा के आ गई हूँ और बहुत जल्दी करके आई हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठते हैं ना, नहाते ही सबसे पहले जो है जो गैस निकालते हैं, जिस दिन गैस होती है देव उठनी गैस, तो उसे जो निकालते हैं दीवार पे, तो सबसे पहले जो है इसको मिटाया जाता है, इसको जो है कपड़े से वहाँ पे धो दिया जाता है, तो इन्हें भी विदा कर दिया जाता है आज के दिन गंगा स्नान के दिन। तो मैं बस यही कर रही हूँ, सारे से मैंने अच्छे से कपड़े गीला करके पूरी दीवार पे जो है कपड़ा मार दिया है, और नीचे जो बनाए हुए थे तो उस पे भी कपड़ा मार दिया है। और अभी गई है मम्मी जी नहाने के लिए, तो नहाई हिम्मत मारती आज तो बिस्तर में उठ कर सीधी नहाई। चलो सही है, हम भी नहा ली, तब भी नहा ली। हाँ मतलब ठंड नहीं है इतनी, पर बाहर कोहरा पड़ रहा, आज बाहर कोहरा पड़ रहा, मौसम थोड़ा सा गर्माहट सी का। चलो सही है, नहा लिया अपने। और फ्रेंड, गैस को जो है मैंने साफ़ कर दिया था, और अभी मैं आई हूँ मंदिर में, तो अभी मैं करूँगी सुबह सुबह की पूजा, क्योंकि सुबह सुबह जो है गैस के दिन सुबह सुबह ही गंगा स्नान के दिन जो है पूजा करी जाती है, क्योंकि आज है कार्तिक पूर्णिमा। इस पूर्णिमा को जो है हम व्रत तो नहीं रखते, वरना जो है हर पूर्णिमा पे सत्यनारायण भगवान का जो है व्रत किया जाता है। और कुछ नहीं है, बस यही है, दिया बत्ती कर लो, तो दिया मैंने जला दिया है, धूप बत्ती से है, धूप बत्ती भी लगा दी है। और उसमें क्या है, एक कटोरी में आटा ले लेते हैं, जैसे जिस तरह से कसार होता है पूर्णिमा का जो प्रसाद होता है कसार का, तो उसी तरह से एक कटोरे में मैंने आटा ले लिया है, थोड़ा सा उसमें जो है शक्कर मिला ली है, कुछ थोड़ा सा उसमें डाल लिया है दूध कच्चा, और कुछ जो है घी डाल लिया है। तो यही सब करके कसार सा बना दिया जाता है, और वो जो गाय को खिला दिया जाता है प्रसाद। तो बस यही मैं कर रही हूँ, और इस सबको करके आरती करने के बाद जो है मैं इनको पूज दूँगी, और फिर ये अपना गाय माता को हम खिला देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मंदिर पे जाने कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, मंदिर पे राम राम हरे हरे। कितना कोहरा हो रहा देखिए फ्रेंड, कितना कोहरा है आज, कुछ नहीं दिख रहा आज। आज वाकई गंगा स्नान पे वहाँ से गंगा घाट को पूरा हो रहा होगा लग रहा होगा, कहा सर्दी की गंगा स्नान में नहा रहे आज हम कहते हम नहीं नहा रहे भाई, हम तो जाकर हम पानी बनावेंगे। देखिए कपड़े भी कितने सारे हो रहे हैं, तो अभी पहले मैं धो लेती हूँ सारे कपड़े अपने, फिर जो है बच्चे आ जाएंगे, पता नहीं वैसे तो आएंगे किस टाइम तक, पर यह है उनके आने से पहले पहले ना अपना थोड़ा सा घर का ये सारा काम जो है अपना निपटा लेते हैं, क्योंकि आज सब सुबह सुबह नहा भी लिए हैं, मम्मी जी भी नहा लिए हैं, ये भी नहा लिए, मैं भी नहा ली, हल्का भी नहा ली, सब नहा लिए हैं। तो जी चलिए पहले अपने कपड़ों को कर लेते हैं धुलाई, और उसके बाद करेंगे अपने फिर बाकी का काम। और फ्रेंड, तो मैं भी कपड़े धुल गए थे, अभी ना आई हूँ बाहर बरामद पर डालने के लिए, और धूप तो आज दूर दूर तक भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल घटा हो रही है, अब तक तो जाके इसका जो है कोहरा उतरा है। और अभी टाइम हो रहा है 8 बजे का, 8:05 हो रही थी अभी, तो सुबह सुबह कोहरा तो उतर गया, जो सुबह सुबह कोहरा आया हुआ था, पर धूप अभी भी निकली है बिल्कुल, बहुत ही मतलब घटा घटा सी हो रही है, बस ये हो गया कि हाँ दिन निकल गया। तो अब सर्दियों के मौसम में धूप की बड़ी दिक्कत होती है, और कुछ ना हमारे बरामदे पर धूप कम आती है, क्योंकि पेड़ है हमारा सामने नीम का, तो उसकी परछाई रहती है पूरे तारों पर, तो हल्की फुल्की सी कभी कभी धूप का निकलती है, और कभी कभी जो है अभी घटा सी है। तो फ्रेंड सुबह सुबह ही अपना आज मैंने सारा ही काम निपटा दिया है अपना, क्योंकि बच्चे तो यहाँ थे नहीं, बच्चे जो होते हैं वही उठने में देर करते हैं, वही जल्दी से उठ के नहाते ना, फिर दूध पीते ना, नाश्ता करते, कुछ भी नहीं है, उन्हीं के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट होता है, लेकिन आज वे नहीं है,
तो उनकी वजह में ना घर भी बड़ा खाली खाली सा रहा। परेशान जरूर करते हैं लेकिन घर में ना एक रौनक बनी होती है बच्चों से, तो उसी वजह से आज कल से हमारा घर बिल्कुल सुनसान हो रखा है। तो देखते हैं किस टाइम तक आते हैं। तो बस अभी मैं अपने सारे फैला रही हूँ कपड़े, और उसके बाद जो है चलेंगे नीचे, क्योंकि ऊपर के सारे हमने काम निपटा दिए हैं अपने। और आज खाने में बना रहे हैं काली दाल की खिचड़ी, क्योंकि आज के दिन यही बनती है काली दाल की खिचड़ी। सिंपल सा तरीका है, पानी इसमें चढ़ा दिया था कुकर में, वो हल्का गर्म भी हो चुका है, नमक उसमें डाल दिया है, उसे नमक को डाल के ना पहले अच्छे से घुमा लिया था जिससे कि वो पूरे पानी में घुल जाए, एक जगह ना बैठा रहे, और उसमें डाल दिए हैं अब ये चावल और दाल धुल के थोड़ी सी देर पहले ना धो के और इन्हें फूलने के लिए रख दिया था। तो अभी इन पर चढ़ा दिया है कुकर पे, कुकर में, और बस गैस चला दी है। दो सिटी लगानी है इसमें, ज़्यादा नहीं, कुछ ना तो कुछ मसाला वगैरह गिरता है ना ही कुछ, सिंपल तरीका है इसको बनाने का। तो अभी हमारी बन जाएगी खिचड़ी, और फिर जो है हम एक कटोरी में निकाल देंगे गाय माता की, और उसको पूज के गाय को दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड, खिचड़ी हमारी बिल्कुल बन चुकी है, और मम्मी जी और को यही खिचड़ी पसंद है, बच्चे यहाँ नहीं है, बच्चे होते तो उनके लिए फिर दूसरे कुकर में अलग से बनानी पड़ती, क्योंकि बच्चे ना खिली खिली खाते हैं, और मम्मी जी और ये तनु के पापा खाते हैं मतलब घुटमा सी, इन्हें ज़्यादा खिली खिली अच्छी नहीं लगती। तो बस इसी तरह से बनाई है, बच्चे जब आएंगे उनके तब बन जाएगी। तो एक कटोरी में मैंने निकाल ली है गाय के लिए, थोड़ी सी दही भी डाल दिया, और उसी में डाल दिया है थोड़ा सा मक्खन। तो इसको अब मुझे थोड़े से पूज के और गाय को दे के आ जाएंगे। और अभी मैं डाल रही हूँ मम्मी जी की और तनु के पापा की, तो इनकी, और इसमें क्या है ना तो कोई कटोरी का वो लगता है, ना तो कोई कटोरी ज़्यादा, मतलब कटोरी में भी नहीं होता, ज़्यादा बर्तन होते ही नहीं है, बस एक थाली करो और बस। तो अभी डाल दूँगी मैं, और इसी एक कटोरी में लेंगे दही है, और उसके बाद अपना। बच्चे जो है हमारे शुक्रताल से आ चुके थे, लेकिन ये ना लेट ही आए थे, सवेरा नहीं आए, ये नहा नहू के बहुत लेट आए, और फिर वहाँ भी नहाने के बाद भी फिर घर गए दोबारा से, फिर वहाँ से खाना वाना खा कर दोपहर के टाइम जब चले गए। पर पानी कैसा था नू, तो मैंने पूछा ही नहीं। हाँ गाद ला रहा था, गाद ले रहा है। हम तो जब एक बार गए थे पिछले साल, तो गए थे उससे पहले साल गए थे, इतना गाधला पानी था बस, और प्रसाद भी ऊपर ऊपर तैर रहा, पैरों में किच 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 किच, ऐसा है गंदगी ज़्यादा करने लगे गंगा में। नहीं चल रही, चल रही है अब पानी, जो दीवे फूल फल सब जा रहे हैं, मतलब पानी का बहाव है अब, जा जो भी प्रसाद उसार वो करे तो वो बह जागे हुए हैं। कभी कभी वो तो हम चिड़िया वाला खेल रहे आज, मैं दूध निकाल लूँ, मैं भी खेल लूँ, मेरा जी कर रहा आज, थोड़ी देर मुझे भी खिलाइयो फिर। कहाँ टूट गया, कैसे टूट गया, वहीं से हम। हाँ तो लाए नहीं, ले आते वहाँ से, महंगे थे कज्जू वज्जू थे, खत्म। ये तो वैसे सही मिला, तो कौन से महंगे बोला मखो उसको के पड़े 800-900 रुपये का, जब तन्नू के मंगाए थे हमने एक बार, कितने चले थे वे। ओ डायरिया 3-2-1 स्टार्ट, डायरिया को भगाने जा रहा, भाग डायरिया, चल डायरिया, चल प्रियांशु, चल क्या कितनी प्यार सारा, कितनी प्यार सारा है, इतना जितना बस, ओ इतना वो ही वहां था, मैं आने का वीडियो सब, मैंने इसको छुआ था, देख ले हां बड़े वन आए 10 लाख रुपए की वंश बेटा, यो चोट खाने का वो बना रहा तू, यो चोट खा, यो चोट खाने का जुगाड़ है और कुछ नहीं है, इसका तुम चढ़ोगे ना इस पे, वो चढ़ेगी अभी। ओए वंश, अभी उस वंश की पट्टी खुली है आज ही, तेरा बंदे का नंबर है, तेरे हालात देख के अभी खुली उसकी पट्टी, तेरा मुझे दिख रहा है ढंग, ये उल्टा सीधा काम कर करके चलो। ओए दोनों गोले थारो, ओए थारे ज्यादा हाथ पैर, हाथ पैर कुड़ रहे ना, चलो सारे गोले थारो, चलो क्या 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 दिखा, इसे धमकी दिखा, करिए तू करिए, पर देखो क्या करा, अरे कुछ नहीं करना का मुझे, तो अब करिए वंश, करिए वंश, करिए देख कर,
तुझे तो घूर रहा है लो मेरी फिर नु कर नु क्या कर रहा है अरे कर दो अरे देख तेरे से तो कुंदा कर मांग रहा है हर से तेन कह रहा है लड़ कर ले तेरे पापा जिस दिन मैं तार का गेर दे ना थर में दुद्ध पेन उतर रहे एक अगी ले जा एक अगी ले जा चलो करो थोड़ी सी मेहनत कदी याद नंबर आवे हर साल का ओहो तीसरा भी लग गया चौथा भी लग गया ओ भाई गोले उतर रहे क्या खाओ रहा उतार 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 बबलू कर भी जाकू वो हो जा बबलू बबलू कह रही उसे संजय कर भी जाकू वो मिल जा थोड़ा सा भाई गोले तो उतरा उतरा ही मिल गए ओ फ्रेंड बच्चे सारे अभी नीचे लग रहे हैं तो मैं आ गई थी सारा दूध लेकर ऊपर और दूध ना तीन बाल्टी में होता है तो एक का तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ कच्चा का कच्चा ही फ्रिज में रख देते हैं ख़राब तो होता ही नहीं है और जो है दो बाल्टियों का पीने के लिए कर देते हैं भगोने में तो मैंने छान दिया है इसे रख दूँगी इंडक्शन पर जब भी लाइट आएगी क्योंकि अभी लाइट आई नहीं है तो फिर ये हो जाएगा गर्म और जो मैंने ये बाल्टी रिता दी है और थोड़े से बर्तन है इनको भी लगाना है कुछ रैंक में रख दूँगी कुछ जहाँ पे रखे जाएंगे साफ़ हुए रखे थे तो इनको लगा दूँगी और थोड़ी सी स्लेप खाली सी कर देंगे क्योंकि अभी सब खाएंगे खाना और फिर ना पूरे स्लेप पे बर्तन ही बर्तन हो जाते हैं तो बस यही है अब इन सबको मैं लगा दूँगी और जो ये तीनों बाल्टी मैंने अभी रिताई है दूध की इनको भी जो है मैं साथ के साथ साफ़ करके रख दूँगी कि ना मैं जब भी दूध निकाल के लाती हूँ साथ के साथ इन्हें खाली करके जो है मुझे साफ़ करके रखनी होती है क्योंकि ये दूध की बाल्टी होती है मैं जरा सा भी जो है दूध लगा हुआ रह जाए या जरा से भी कहीं भी ऐसा हो तो दूध फटने का बड़ा डर रहता है तो इन्हें यही है बस साथ के साथ रिता करके और इन्हें साफ़ करके मुंदी मार दो जिससे कि अच्छे से सूख भी जाए और फिर इनका दूध ख़राब होने का भी इनका डर नहीं रहता तो फ्रेंड आज है चंद्र ग्रहण लेकिन ग्रहण का ना कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि घटा इतनी हो रही है आज मौसम बिल्कुल सुबह से काला हो रहा सुबह से ना तो आज धूप भी नहीं निकली ना कुछ चमक रहा और ना कुछ पता चल रहा जब सूर्य ग्रहण पड़ा था जब तो दिख गया था लेकिन आज चंद्र ग्रहण है तो आज कुछ भी नहीं दिख रहा पर बस यही है कि हाँ है चंद्र ग्रहण आज और फ्रेंड गंगा स्नान वाले सब अपने अपने घर लौट के आ चुके हैं सुकरताल हो गया बिल्कुल खाली चौड़ा हो गया बिल्कुल जितना मेला भर रहा था सब अपना उठ लिए आ लिए सब गांव वाले भी है घर वाले भी उखड़ उखड़ के चलते हैं फिर नाजी लगता है फिर नाजी लगता है दोपहर के बाद तो वहाँ बिल्कुल उजाड़ हो जा तो फ्रेंड बस आज के व्लॉग का भी मैं यहीं पे करती हूँ एंड आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए आप खुश रहिएगा स्वस्थ रहिएगा चैनल को लाइक करते रहिए शेयर कीजिएगा कमेंट करके बताइए और वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा राधे राधे टेक केयर बाय बाय